नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीति रिवाज में। पिछले वीडियो में शरद पूर्णिमा की कथा पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शरद पूर्णिमा की कथा। चलिए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसकी दो सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों से बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज में मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। उसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा रख दिया। फिर वह अपनी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो पहले से मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से जीवित।